देखो गाइस, मैं बोलता हूँ ना, ये बिगाड़ू है, ये बिगाड़ू है, ये बहुत यार। ऐसे बिगाड़ती है ये। बताऊँ क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं उठ चुकी हूँ और मेरे लग गए होने काम निपटाने की तैयारी, क्योंकि आज छोटी होली है। तो फिर झाड़ू पूजा करते हो, फिर मुझे नहाना है, फिर मुझे पूजा करने जाना है। आज बहुत सारा काम है और जल्दी जल्दी निपटाना है, छोटी होली है। तो हैप्पी होली आप सभी को, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने मशीन रख दी है बाहर, ये मैंने मशीन तो रख दी है बाहर। अब मैं पानी भरूँ, पानी डालूंगी। और कपड़े देखो मेरे यहाँ पे फैले पड़े हुए हैं। तो गाइस, मेरे कपड़े तो धुल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और मैं मार रही हूँ अब झाड़ू। किससे लगा दी तू पोचा? मैंने तो आज ही नोटिस किया, तुम ही देना पैसे अब की बार। क्या मेरे, क्या है मेरे, धो धो दिए कितने कपड़े हैं? अबे वाह वाह, मतलब ये भी है, ये भी है, ये सूख भी रहे, बहुत सारे कपड़े हैं। हाथ से भी धो रही तो मशीन से भी धो रही, क्या है तेरा ये सिस्टम, क्या है ये? सारे ये वाली, फिर एक बार के कपड़े धो गए दक्ष के, और अभी बहुत सारे और पड़े हुए, 3 बारी के और हैं। दक्ष के, दक्ष दक्ष के और निकालेगा इसको। बाकी बादल भी हो रहा, ये ड्राई करे हुए कपड़े निकालू अभी और डालूंगी ड्राई करने के लिए, क्योंकि आज आप मौसम खराब है। संडे के दिन भी तूने कम से कम 2-3 घंटे लगाए देती है कपड़े। ये तो कपड़े तो देख मुझे ना, मतलब मैं संडे को सोचता हूँ मेरी छुट्टी रहती है, संडे को अपना कहीं घूमने जाएंगे, ना धो के नाश्ता करके, पर तू 2-3 घंटे तो कपड़े धोने में लगा देती है। हो गए ट्राई, जरा कपड़े
अरे होली तो सामने है पीछे है। अच्छा ये तो ये तो पहले गाइज मेरे आधा अधूरे कपड़े धुल गए हैं, बाकी कपड़े मैं धोने जा रही हूँ। और अभी मैंने अपने बेबी को सुला दिया क्योंकि वो सिर्फ मेरे पास ही सोता है, मैं ही सुला सकती हूँ उसे, अदरवाइज किसी से नहीं सोता। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप नहा लो और पूजा कर लो क्योंकि हमें तो हो गई देर, तो मैं अभी नहाऊँगी, पहले तो कपड़े धोऊँगी, जो काम आधा अधूरा रह रखा है उसको निपटाऊँगी, फिर नहाऊँगी, फिर मैं तैयार होंगी, फिर हम पूजा करने जाएंगे। क्योंकि यार जल्दी से हो रही, कोई बात नहीं, अभी जल्दी दिखने तैयार हो जाऊंगी ना, तब देखना आप कितनी। वैसे मैं तैयार कम ही होती हूँ, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, पर चलो जब फेस्टिवल होते हैं तो तैयार होना ज़रूरी है। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ना होली की टी शर्ट लेके आ जाओ, हम खेल लेंगे। तो ये ना ये देखो छोटा सा बेबी हमारे और हम दोनों की है, हम लाए हैं टी शर्ट है। तो गाइज मैं जा रही हूँ नहाने, आपको मिलते थोड़ी देर में, तब तक के लिए यहीं पे बने रहना। ये हो रही हमारी पूजा। जय भोले बाबा की, जय गणपति बाप्पा की, जय कान्हा जी की, जय बजरंग बली की, जय माता रानी की, जय खाटू श्याम बाबा की, हरे के सारे। पहले करेंगे हम अपने बेबी को रेडी, फिर उसके बाद होंगे हम रेडी और इसको करेंगे हम। तो आप हमारी वीडियो में बने रहे, और कल तो इससे भी अच्छी वीडियो आएगी, इससे भी अच्छा ब्लॉग आएगा, तो देखिए आप मेरा पूरा ब्लॉग और हमें कमेंट करिए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अब बंदा जी नमस्ते, बंदा जी नमस्ते। देखिए गाइज ये दक्षु रेडी हो चुका है और इसकी मम्मा बोल रही है जैसे हम बाहर जाएंगे ना पूजा करने तो उसके ऊपर ना कोई वो ना डाल दे पानी बच्चे के ऊपर। कल पहनेंगे होली वाली टी शर्ट। ये दोनों रेडी और अब बारी है मेरी, पहले तो मैं अपने कपड़े डालने जाती हूँ, फिर मैं रेडी हो जाऊंगी, तब हम पूरी पिक दिखाएंगे आपको। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो मेरे कपड़े डालने की जगह भी नहीं बची इसमें, फिर भी मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिए, इतने कपड़े धोए मैंने और कुछ कपड़े बच्चे के मैंने नीचे डाले हुए हैं, बताओ इतने सारे कपड़े होते हैं, मेरा इतना काम होता है ना संडे को, अब मुझे रेडी होना है। गाइज ये दक्ष की मम्मा रेडी हो चुकी है पूरे अच्छे तरीके से और अब हम चलने के लिए रेडी है, तो हम हो चुके हैं, चलिए हमारे साथ साथ। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पहन ली है साड़ी और मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो गाइज हम चल रहे हैं, हैं देख 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 देखो दक्षु, दक्षु की मम्मा को देखो, दक्षु की मम्मा आ जल्दी, दक्षु की मम्मा मस्ती सूझ रही यहाँ पे है, दक्षु को यहाँ पे मस्ती सूझ रही है, मस्ती दक्षु को है, दक्षु अरे 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 यहाँ पे कर रहा है तू, राधे राधे देख
में देखती रही मम्मा को देख। सर कहीं जी यही पास रहता है? हाँ जी यही पीछे मकान, इस मकान के पीछे रहता हूँ। सुब सक्सेना जी के यहाँ पर जी। क्योंकि मम्मी पहन के आई थी साड़ी और इसकी साड़ी इसको कंफर्टेबल नहीं लगी। ये तो देखो बढ़िया खेल हो गया इसके साथ। ये देखो साड़ी, देखो ये देखो जल्दी। मैं बोला था उसको सूट पहन के चल। अच्छा हम ना पूजा करने गए थे, होलिका की पूजा करने, जो जलाते हैं ना होलिका पूजते हैं उसको पूजने गए थे हम। तो वहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और मेरी साड़ी जल गई पूरी। अच्छा वाह, मेरी नज़र पड़ गई वरना मैं भी जल जाती शायद साड़ी के साथ आज ओली। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हम आ गए हैं घर पे और अब मैं लग गई लंच की तैयारी करने। हम बनाएंगे आज पुलाव और मेरे मुझे भी थकान हो रही है बहुत, क्योंकि मैं काम बहुत करा ना, मैं बहुत काम करती हूँ ना इसलिए, और भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक मैं अपना फ़ोन चार्जर लगा रही हूँ क्योंकि इसकी बैटरी डेड होने वाली। बाय बाय कन्नो। मुझे ना एक चीज़ याद आ रही है बार बार ना, वो अंकल की याद आ रही है। मैं जो बोल रहे थे हमें कि आना कि हमारे घर पे। हाँ दोनों बेचारे बूढ़े हैं ना, अकेले रहते हैं अंकल आंटी। तो एक वो कर लेना काम, तो उन्हीं के पास चली जाना, उन्हीं के साथ रह ले तू जाके। अच्छा उन्हीं का ध्यान रख। पक्का? हाँ सच्ची। हाँ भैया तू अपना तो ध्यान रख सकती, उनका ध्यान रख लेगी तू। हम ना अभी पूजा करने गए थे ना, तो हमें एक अंकल आंटी मिले यहीं पे बगल में रहते हैं ना बेचारे, बहुत अच्छे हैं। बताओ कौन करता है किसी को, कौन पूछता है आज की डेट में ना, और वो अच्छे। मैंने बोला नहीं, अंकल कह रहे बेटा आप कहाँ रहते हो, और मेरा पड़ गया इसमें, मिस उल्टे काम होते हैं। हमने कहा अंकल, मेरे हस्बैंड ने कहा अंकल जी यहीं पे रहते हैं भैया के घर के बगल में, आपके पड़ोसी है। तो कह रहे अच्छा कि आना कभी हमें मिल ले ना, आ जाओ बैठ जाओ आना की कभी मिल ले। तो दया आता है अब दूसरे लोगों को देख के ना। देखो ये और का फैलावा फैदा था और मेरे हस्बैंड ये समेटने के लिए, तो कह रहे तू तो कुछ करती नहीं, मैं ही करूं। कुछ करती का है सारा, मैं ही तो करता हूं। ये लावा जो है ना, थैंक यू मारो तैयार तो मैं काम कर लूं जरा। ये देखो मैंने तो मार ली है ये तय कपड़ों की, और ये देखो कल का कलेक्शन हमारा, ये वाली टी शर्ट और ये वाली। कमेंट करके बताओ गाइस रील में किस किस की है। बीच की तो आपको दिख रही होगी, बीच की तो दक्षु की है और एक वो वाली है, ये दक्ष की हो गई, ये और वो किसकी है ये वाली गाइस। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। टेस्टी बनाती हूँ पुलाव तो, मैं पता नहीं पुलाव तो मेरा फेवरेट है, उतनी टेस्टी बनाती हूँ कि पूछ के ना। चलो बस बन गया मैं बाबू का खाना, अब लगेगा ढक्कन और हमारा पुलाव हो जाएगा रेडी। और ये जो पानी गिरा हुआ है इसको कर लेती हूँ साफ। तो गाइज हमारा रखे बाहर, मेरी खिचड़ी तो बन गई है, बस कुकर ठंडा होने का वेट है और फिर हम खा लेंगे और हम सवार के बाहर। एक आना यार मुझे दही चाहिए थी यार, गंदा लग रहा है मेरे बच्चे का ये, गंदा गंदा तो लगा दे तू, अभी लगा दे, तीन चार बार बोला था उसने दिल में लगाने, रोज लगाते आज ही तो बोली। अभी रुक जा यार थोड़ी देर, हवा हो रही भयंकर, मुझे लग रहा है इसके दांत तो नहीं आ रहे फिर से जो आज इतना तंग कर रहा है। ये बनाया दक्ष की मम्मा ने रायता, नींबू भी रखे हुए। खराब हो रहा, बारिश आने वाली बहुत है। हाँ। ये बन रहा हमारा अच्छा वाला रायता, ये बन गया रायता दक्ष की मम्मा का।
दक्षु को देखो तो इसके ना दांत आलू दे रहे हैं, इसके दांत आ रहे हैं ना, इसलिए ऐसे कर रहा है ये। देखा देखा देखो गाइस, मैं बोलता हूँ ना ये बिगाड़ू है, ये बिगाड़ू है, ये बहुत ऐसे बिगाड़ती है ये। तो मिला नहीं, क्या बोलते थे, खीरा तो मिला नहीं, तो मैंने एक प्याज, आधा प्याज और धनिया और टमाटर डाल के बना दिया रायता। चल ठीक है, बढ़िया सा क्या बना, मटर पुलाव खिले खिले से बन गया, बढ़िया मस्त। वैसा पुलाव तो मैं बहुत जबरदस्त बनाती हूँ यार, सीरियस है ना। और इसमें जाएगा तुम्हारे लिए घी, जाएगा इसको पता नहीं क्या परेशानी हो रही है, इसके गले में तो नहीं कुछ बैठ रहा। अरे कुछ नहीं बैठ रहा। तो गाइस हमने लंच तो कर लिया है और मेरे बेबी और हस्बैंड जी थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, मैं सोच रही हूँ मैं अभी रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं अभी थक जाती हूँ ना, और आसमान खराब हो रहा, सोच रही हूँ बारिश ना आ जाए, कपड़े थोड़ी देर में ही लाऊंगी, अब लग तो नहीं रहा बारिश आ रही पर बहुत ही खराब हो रहा। तो हम थोड़ा सा आराम फरमाते हैं, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस मैंने भी थोड़ी सी रेस्ट कर लिया और मैं उठ गई थी और अभी धूप भी आ गई है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा, क्योंकि हम औरतों का क्या होता है जब तक काम ना निपटे ना तब तक हम चैन से सो भी नहीं पाते। और मेरे मुझे तो सच्ची बता रहा, मेरा अगर काम फैला पड़ा रहा ना या काम मेरा निपटा नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बस क्या हो गया, मेरा काम इतना रहता है ना कि पूछो ही ना। और मुझे सच में तब तक नींद नहीं आती या तब तक मैं चैन से बैठती नहीं जब तक मेरा काम ना निपटे, मेरा यही है। मैं वैसे भी सही होती है हरी मिर्च, रेड मिर्च का तो यूज़ भी नहीं होता हमारा, ये देखो ये है, इसको धोना है। और ऐसे ऐसे टोकरे ना हम 2-3 दे के आ रखे, पहले ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी एक और है, उससे भी और बड़ी एक और। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मुझे सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊँ।